गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आपणे धोरण छ मां प्रथम सत्रना हिंदी विषय में प्रथम पाठ नो अभ्यास करीशू। पाठनु नाम छे दयालु शिकारी। दयालु शिकारी एक चित्रपाठ है, तो छात्र चित्र देखकर कहानी लिखे इस आशय से पाठ्य पुस्तक में कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों का आप सावधानी पूर्वक अवलोकन करें। तो यहाँ इन चित्रों के आधार पर कहानी लेखन किया गया है, जिसमें हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरणी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरणी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। उसके बाद वह पछताता है। वह हिरणी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। तो यहाँ आपको समझना यह है कि पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए, और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यही बात यहाँ बताई गई है। तो अभ्यास के तौर पर देखें तो चित्र का अवलोकन करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न नंबर एक से शुरुआत करते हैं। इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो इस चित्रपाठ में हिरणी की बात है। दो, आपने किन किन पशुओं को देखा है? उत्तर है, मैंने कुत्ता, गाय, बैल, घोड़ा, ऊंट, बकरी जैसा पालतू पशु देखे। इसके अलावा मैंने प्राणी संग्रहालय में शेर, बाघ, हाथी, जंगली बंदर भी देखे। तीन, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? उत्तर, जंगल में हाथी, शेर, बाघ, हिरण, बंदर, जंगली भैंस, चीता आदि जानवर देखने को मिलते हैं। चार, चित्रपाठ के आधार पर
आपको शब्दों की सूची बनानी है। जैसे कि उदाहरण, शिकारी, दयालु, इस तरह। पांच, चित्रपाट के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है, एक दयालु शिकारी था। प्रश्न चार को देखें, जैसे उनमें शब्द बनाए शिकारी दयालु, तो उसमें आगे हम शब्द सूची बना सकते हैं, हिरनी, पेड़, बंदूक, शावक, अस्पताल, डॉक्टर, घास, घाव, खून, गोली। उन्हीं शब्दों को हमें प्रश्न पाँच में वाक्य के रूप में भी ले सकते हैं, बराबर। तो देखते हैं प्रश्न पाँच के उत्तर। एक, पेड़ के नीचे हिरनी है। दो, पेड़ के पीछे शिकारी है। तीन, शिकारी ने गोली छोड़ी। चार, हिरनी शावक के पास बैठी है। पाँच, हिरनी के पाँव से खून बहता है। छः, हिरनी को टांग पर गोली लगी। सात, शिकारी हिरनी को अस्पताल ले जाता है। आठ, शिकारी हिरनी को पट्टी बंधवा कर वापस ले आता है। नौ, शिकारी हिरनी को जंगल में छोड़ देता है। इस चित्रों के आधार पे हमें कहानी भी बनानी है। तो प्रश्न नंबर दो के आधार पे हम कहानी बनाएंगे जो चित्रों में दी गई है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर दो। चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। तो पहले हम प्रश्न देख लेते हैं, बाद में दयालु शिकारी कहानी बनाते हैं, बराबर। तो उदाहरण नंबर एक, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है। दो, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी। तीन, हिरनी देखने में कैसी है। चार, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था। पाँच, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया। छः, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा। सात, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों। आठ, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों। तो इस तरह चित्रों के आधार पे हम दयालु शिकारी कहानी बनाते हैं।
तो आओ चित्र देखते जाइए, कहानी सुनते जाइए। कहानी है दयालु शिकारी। एक दिन जंगल में एक शिकारी शिकार करने आया। उसके पास एक बंदूक थी। शिकारी ने हिरन हिरनी को देखा। हिरन हिरनी शिकारी को देखकर भागने लगे। शिकारी पक्का निशानेबाज था। उसने बंदूक में से गोली छोड़ी। गोली हिरनी की टांग में लगी। हिरन तो दूर भाग गया। घायल हिरनी अपने बच्चे के पास जा पहुंची। शिकारी हिरनी को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ा। अब आगे क्या होता है देखिए कि शिकारी ने देखा तो हिरनी अपने बच्चे के पास पहुंचकर बच्चे को प्यार कर रही थी। यह दृश्य देखकर शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया, उसे दया आ गई। शिकारी घायल हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया। वहाँ उसने हिरनी के गांव पर पट्टी बंधवाई। उसके बाद शिकारी हिरनी को गोद में लेकर जंगल में बच्चे के पास छोड़ गया। शिकारी ने तय किया कि आज से मैं किसी भी प्राणी का शिकार नहीं करूँगा। और इस तरह से उसका जो हृदय परिवर्तन हुआ, इसी तरह हम भी देख सकते हैं कि कहानी के आधार पे बताया गया है, एक सीख मिलती है कि हमें पशुओं के प्रति दया रखनी चाहिए, कभी भी उन्हें हानि पहुंचानी चाहिए नहीं। तो चित्र 1 से लेकर 9 तक के आधार पे हम इस तरह कहानी बना सकते हैं। आगे अभ्यास में देखें तो प्रश्न नंबर 3, इसमें वर्ण के आधार पर वर्ण दिए, उन वर्णों के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाने। उदाहरण के तौर पे देखें तो ख से खरगोश, खत्मा, खाली, खाना, ऐसा उदाहरण दिया है। तो कौंस में ब्रैकेट में दिया है वर्ण ट ड म भ, तो हमें इनके शब्द बनाने हैं। तो ट से बनाते हैं टमाटर, टैर, टेलीफोन, टेलीविज़न, टमटम। ड से डमरू, डेरा, डगर, डाकिया, डरपो। म से मोर, मच्छर, मकान, महल, मैदान, मगर। भ से भौतिक, भूगोल, भूकंप, भूतल, भजन, पति। और आप अपने तरीके से भी वर्ण के आधार पे अधिक से अधिक शब्द बना सकते हैं। तो इस तरह दयालु शिकारी चित्रपाठ में अभ्यास के आधार पे हम आगे देखें तो
स्वाध्याय बना सकते हैं। यहाँ अभ्यास पूर्ण हुआ। स्वाध्याय में देखते हैं शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए। तो आपको अपने तरीके से भी विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। उत्तर देखिए, शिकारी ने हिरनी को घायल किया था। घायल हिरनी अपने शावक के पास पहुंच गई। हिरनी अपने शावक को प्यार करने लगी। यह दृश्य शिकारी ने देखा तो उसके मन में दया भाव उमड़ पड़ा और मानवता जाग उठी। वह इस दृश्य को देखकर मन ही मन पछताने लगा। इस प्रकार हिरनी की मदद के लिए शिकारी हिरनी के पास गया। तो आप अपने विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे देखें तो प्रश्न नंबर 2, नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखना है। पहला चित्र, उसके 3 भाग है। दूसरा चित्र, उसके भी 3 भाग है। अब पहले चित्र में जो 3 भाग दिए हैं उसके आधार पे हम कहानी बनाए। कहानी का हम शीर्षक दे सकते हैं बातूनी कछुआ। एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक तालाब था। तालाब में एक कछुआ और 2 हंस रहते थे। कछुआ और हंसों के बीच दोस्ती हो गई थी। कछुआ बातूनी स्वभाव का था। गर्मी के दिन आए, तालाब सूख गया। तीनों ने दूसरे तालाब में जाने का सोचा। हंस तो उड़कर जा सकते थे पर कछुआ कैसे जाता। कछुए ने हंसों को एक उपाय बताया। तुम दोनों एक लकड़ी ले आओ, लकड़ी का एक एक सिरा तुम दोनों अपनी अपनी चोंच में पकड़ लेना। मैं लकड़ी को बीच में से मुंह में पकड़ लूंगा। इस तरह हम तीनों दूसरे तालाब में जा सकेंगे। हंसों ने कछुए से कहा, ठीक है पर रास्ते में बोलना मत। अगर तू बोलेगा तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी
और तुम नीचे गिर जाओगे। कछुए ने हंसों की बात मान ली। दोनों हंस कछुओं के लेकर उड़ने लगे। जब दोनों हंस कछुए को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव आया। गांव के बच्चे यह देखकर चिल्लाने लगे। कछुआ अपने स्वभाव के अनुसार बच्चों की आवाज़ सुनकर बोलने गया। कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई और कछुआ नीचे गिर पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे बोलने से अपना ही नुकसान होता है। तो यही कहानी का उद्देश्य है। दूसरी कहानी में जो तीन चित्र दिए हैं उसके आधार पर हम कहानी बनाए और उसका शीर्षक दे सकते हैं प्यासा कौवा या चतुर कौवा।